Well, in a massive show of strength, 22-year-old Hardik Patel stepped up the demand for reservation for the Patel community. The student leader exhorted the Patels to intensify their revolt against the government and warned the BJP that it would lose the 2017 polls if it fails to grant them special status. Lakhs of members of Gujarat's Patel community gathered at the GMDC ground in Ahmedabad to demand reservation for its youth in government jobs and educational institutions. Hardik Patel made it clear that he has no political affiliations and would not stop the revolution until his demand is fulfilled. पार्टी से नहीं, हम तो पाटीदार से प्रेरित है और इस पाटीदार कोई उस पर राज नहीं करता। हमने बरसों से कहा है कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदारों पे राज करेगा, वरना कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। पूरे हिंदुस्तान से हम 170 एमपी कमाए हैं, किसी को नहीं मालूम ये, और इन 117 की ताकत क्या है मालूम है? संसद भवन पर हमारा हक होना चाहिए। सब लोग लड़ते आए हैं, अपने तौर से लड़ते आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार इसी तरह आंदोलन नहीं सफल होगा। अरे भाई 12-13 साल का बच्चा भी आज रात को उठाकर पूछो भाई क्या चल रहा है तो वो बोलेगा मेरे समाज के हक के लिए आरक्षण की मांग हो रही है। 60 साल के बुढ़े को पूछिए क्या चल रहा है, वो कहेगा मेरी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए हक की लड़ाई चल रही है। किसी माँ या बहन को पूछिए, वो कहेगी मेरा भाई बेरोजगार है, उसके रोजगारी के लिए लड़ाई चल रही है। और किसी पॉलिटिशियन को पूछिए तो वो ये बोलेगा सालों कुछ पॉलिटिशियन लेकर निकले हैं। अरे भाई हम पॉलिटिशियन नहीं है, हमें नेता भी नहीं बनना। हर पाटीदार परिवार में एक नेता है, वो खुद चुनता है मैं नेता हूं, हमें किसी के द्रा भर के नहीं चुनना। हमारे घर पे सरदार है, हम हर घर पर नेता है, हम हर घर पर राजनेता है, हम हर घर पर अभिनेता है। हम पर कोई नहीं है, हम खुद खुद है, हम हम है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अपने हैं इसलिए हक मानने निकले हैं। प्यार से दोगे तो ले लेंगे, वरना वरना वोडाफोन का टावर आवाज ओबामा तक पहुंचनी चाहिए। ओबामा बोलेगा मजबूती साहब दे दो इन पटेलों को।